फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर पेज स्टडी भारती। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एंटी कोलिनर्जिक सिस्टम के बारे में। फ्रेंड्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कोलिनर्जिक सिस्टम और उसके एगोनिस्ट के बारे में बताया था, और अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले उसको जरूर देखें। कोलिनर्जिक सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि वो ड्रग्स जो पैरासिंपथेटिक एक्टिविटीज को स्टिमुलेट करती है और उनके जो इफेक्ट्स होते हैं, और सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक के बीच में डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था अपनी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वाली वीडियो के अंदर। तो ये सारी वीडियोस जो है स्टडी भारती के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज इसको देखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अभी शुरू करते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती है ये ब्लॉक करती है एसिटाइल कोलिन के एक्शन को, कहां पर? निकोटिनिक और मस्करेनिक रिसेप्टर्स पर। मैंने पहले भी बताया था पैरासिंपथेटिक एक्टिविटी में निकोटिनिक और मस्करेनिक रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और यही अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो है इनको इनहिबिट कर देती है और पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को भी इनहिबिट करती है, यानी कि जो भी पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट है उनको इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से इसको पैरासिंपैथोलाइटिक ड्रग्स भी कहते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर सेम जो है एसिटाइल कोलिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं इसके अंदर? नेचुरल एल्कलॉइड्स आते हैं एट्रोपिन, हायोसिन, सेमी सिंथेटिक आते हैं होमेट्रोपिन, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सिंथेटिक में आते हैं मिड्रिएटिक्स, साइकोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड। साइकोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड जो है वो प्यूपिल्स की डायलेशन करते हैं, इसीलिए इनको मिड्रिएटिक्स भी कहते हैं और मिड्रिएसिस इनका इफेक्ट होता है। बेसिकली जो साइकोपेंटोलेट होती है वो ऑलमोस्ट 40 to 50 मिनट्स के अंदर मिड्रिएसिस कॉज कर देती है, मींस प्यूपिल की डायलेशन कर देती है। लेकिन ट्रोपिकामाइड जो है वो विद इन 20 मिनट्स जो है प्यूपिल की डायलेशन कर देती है, और इसकी जो लॉन्गिटिविटी होती है साइकोपेंटोलेट की वो फुल डे होती है, और ट्रोपिकामाइड जो है वो ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स तक ही इसका इफेक्ट रहता है। देन एंटी सिक्रेटरी और एंटी स्पास्मोडिक इफेक्ट होता है डाइसाइक्लोमीन का, पिरेंजिपिन और मिथाइल ब्रोमाइड का, और एंटी पार्किंसोनियन इफेक्ट भी होता है ट्राइहेक्सिडिन हेक्सिफेनिडिल का, तो ये सारी है क्लासिफिकेशन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की। आई होप आपको ये याद करने में या समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एक वीडियो भी लेकर आऊंगा जिसके अंदर मैं सारे निमोनिक्स जो है वो डिस्कस करूंगा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का मैकेनिज्म। देखिए, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि देखिए यहां पर एक्सॉन टर्मिनल पे ये जो है हमारा कोलिन सोडियम पंप प्रेजेंट होता है, जिसकी हेल्प से कोलिन जो है एंटर करता है एक्सॉन टर्मिनल्स में, और वो एसिटाइल को एंजाइम के साथ मिलकर एसिटाइल कोलिन बनाता है, और एसिटाइल कोलिन जो है वो वेसिकल्स के अंदर स्टोर होता है, और यहीं पर कैल्शियम का डीपोलराइजेशन होता है जिसकी वजह से इनकी एक्सोसाइटोसिस होती है, और एसिटाइल कोलिन जो है वो रिसेप्टर से बाइंड करके अपनी पैरासिंपैथेटिक एक्टिविटी शो करता है। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो है वो इस एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, और जिसकी वजह से इसके इफेक्ट्स हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पे हमें मिलते हैं। मैंने अपनी कोलिनर्जिक जो वाली वीडियो थी उसमें मैंने रिसेप्टर्स की लोकेशन भी बताई थी, और हर एक पार्ट के ऊपर कौन से रिसेप्टर का इफेक्ट होता है वो भी मैंने समझाया था। तो चलिए आगे हम देखते हैं इफेक्ट कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का क्या इफेक्ट पड़ता है ऑर्गन्स के ऊपर। सबसे पहले आईज के ऊपर देखते हैं। देखिए, जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं? प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करती हैं, लेकिन जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो क्या करेंगी? प्यूपिल की डाइलेशन कॉज करेंगी। और सलाइवा के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? ये सलाइवा की सिक्रीशन को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से ड्राई माउथ होता है। उसके बाद हार्ट रेट को ये इंक्रीज करती है। देखिए, ये है पैरासिंपथेटिक एक्टिविटी का चार्ट, ये उसकी पिक्चर है जिसके अंदर पैरासिंपथेटिक एक्टिविटी जो ऑर्गन्स पे होती है वो शो कर रखी है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं?
एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट जो पैरासिम्पथेटिक पाथवे को इनिबिट करता है। तो हार्ट रेट को जब पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी अगर स्लो कर रही है तो अगर हम इसको इनिबिट कर देंगे तो वो क्या करेगी, इंक्रीज हो जाएगी। लंग्स के अंदर क्या होता है, ये ब्रोंको डाइलेशन कोज करती है, देन स्टमक के अंदर उसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करती है और ग्लूकोज के रिलीज को इनिबिट करता है पैरासिम्पथेटिक। लेकिन जब हम एंटीकोलिनर्जिक देंगे तो ग्लूकोज का रिलीज भी इंक्रीज हो जाएगा। मैंने अपनी डायबिटीज वाली वीडियो में भी एसिटाइल माफ कीजिएगा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का इफेक्ट बताया था डायबिटीज के ऊपर कि वो भी डायबिटीज कॉज कर सकता है। अब जीआईटी सिक्रीशन जो है वो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम करता है, तो एंटीकोलिनर्जिक क्या करेगा, जीआईटी सिक्रीशन को इनिबिट कर देगा। अब आइस के अंदर जो होता है पैरासिम्पथेटिक क्या करता है, पिपल को कंस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन एंटीकोलिनर्जिक उसको डायलेट कर देगा, यानी कि मिड्रियसिस कॉज करेगा, मिड्रियटिक इफेक्ट शो करेगा। देन अगर पैरासिम्पथेटिक उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लैडर को तो ये क्या करेंगी, ड्रग्स रिलैक्स कर देंगी क्योंकि इसकी इस एक्टिविटी को भी ये इनिबिट कर देंगी। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही होंगी और आपके माइंड में भी एक पिक्चर क्रिएट हो रही होगी कि कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, सिंपथेटिक, पैरासिंपथेटिक, एड्रिनर्जिक, एंटी एड्रिनर्जिक, ये ड्रग्स जो है वो कैसे कोरिलेट करती है एक दूसरे से। चलिए आगे देखते हैं साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स में आता है ड्राई माउथ। देखिए सलाइवा की सिक्रीशन को ये क्या करता है, इनिबिट कर देता है, तो सलाइवा की सिक्रीशन कम होगी तो माउथ में ड्राइनेस आएगी, जो स्वेटिंग है वो भी कम हो जाती है माफ कीजिएगा ज्यादा हो जाती है, फीवर कॉज करता है ये। देन डिफिकल्टी इन मिक्चुरेशन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो ब्लैडर को रिलैक्स कर रहा है, अगर ब्लैडर रिलैक्स होगा तो मिक्चुरेशन में भी क्या होगी, डिफिकल्टी आएगी। फोटो फोबिया कोज करता है, हमें विजन में भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि प्यूपिल क्या हो चुकी है, डायलेट हो चुकी है, मिड्रियसिस हो चुका है उसका, याद रखिएगा मिड्रियसिस कोज करता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। पैल्पिटेशन कोज करता है, एक्साइटमेंट कोज करता है, क्यों, क्योंकि ये ट्रिमर, पार्किंसन इन सब में भी क्या करता है, हमें रिलैक्स करता है, यानी कि उस पे भी इनका इफेक्ट होता है, इसीलिए इसको एंटी पार्किंसन ड्रग भी कहते हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स को, क्योंकि ये बॉडी में डोपामिन का रिलीज इंक्रीज भी करता है, रेगुलेट करता है, अटैक्सिया कोज करता है, डिजीनेस भी कोज करता है ये। सो ये सब थे इसके साइड इफेक्ट्स। अब बात करते हैं इंट्रेक्शन की, कि कैसे इसकी इंट्रेक्शन होती है। तो पहला है एंटा एसिड इंटरफेयर विद अब्सॉर्प्शन ऑफ एंटी कोलिनर्जिक। अगर हम एंटा एसिड्स के साथ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं तो उसकी अब्सॉर्प्शन में इफेक्ट पड़ता है। देन माओ इनिबिटर्स इंटरफेयर विद मेटाबॉलिज्म ऑफ एंटी कोलिनर्जिक, तो माओ इनिबिटर्स के साथ भी उसके मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट पड़ता है। देन डिजोक्सिन एंड टेट्रासाइक्लिन अब्सॉर्प्शन में इंक्रीज, तो डिजोक्सिन और टेट्रासाइक्लिन की अब्सॉर्प्शन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के साथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये वाली वीडियो और मेरी पहले की सारी वीडियो समझ में आई होंगी। सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।